हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट। मैं रवि जान का स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इग्नू के लिए हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लासेज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल। तो आज जो हमारी क्लास होनी है वो होगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, और इसके अंदर पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कोड BC OC 134 है भाई, ठीक है। BC OC 134 है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का कोड मेंशन करेंगे, क्या क्या हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं इस सब्जेक्ट में। तो ब्लॉक वाइज बात करते हैं सीधा। ब्लॉक नंबर फर्स्ट आपका क्या है इसमें? सबसे पहला ब्लॉक आपका मैट्रिक्स का है, जिसमें हमारी अलग अलग यूनिट दे रखी हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपका मैट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ये सारा इसमें कवर होगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस आता है बच्चे, कैलकुलस के अंदर हम क्या देखेंगे, हमारा डिटरमिनेंट, राइट। हमारे जो लॉगरिथम होती है या हमारा जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, इसमें हम अपना डिफरेंशिएशन देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, लो एंड फंक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक नंबर सेकंड है। देन आपके पास थर्ड नंबर पर आता है क्या, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारा थर्ड ब्लॉक है, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका एन्युटी पेमेंट कैसे होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है, डिस्काउंटिंग कैसे होगी, वो सब इस चैप्टर के अंदर आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट हमारे पास जो आती है भाई, वो क्या है, वेरिएबल की, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वेरिएट एनालिसिस, जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर करते हैं वेरिएबल के अंदर। जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स क्या है, टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उनको फाइंड आउट करने का हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। वेरिएट एनालिसिस इसमें होता है। देन हमारे पास अगला जो यूनिट इसमें आता है वो होता है वेरिएट एनालिसिस का ही, ठीक है। इसी का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन, इन इक्वेशंस को देखते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें जो बचता है बच्चे, वो आपका है इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे, और साथ में टाइम सीरीज एनालिसिस, ये यूनिट हमारी डिस्कस यहाँ पर करी जाएगी, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इंडेक्स नंबर। तो ये है हमारा ब्रीफ का सिलेबस, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स BC OC 134 इस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस है कंप्लीट, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे मैट्रिक्स का। तो भाई ये हमारा है कंप्लीट सिलेबस जो बिजनेस मैथमेटिक्स का है। अब मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू करते हैं। तो अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स, क्या कैलकुलेशन है, मैथ का एक टॉपिक होता है मैट्रिक्स, ठीक है। अगर +1 +2 में पढ़ा होगा आप लोगों ने तो अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पर सारा कवर किया जाएगा। मैट्रिक्स का हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीनिंग जानेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, क्या हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर एक ऑर्डर होता है, किसका, रो एंड कॉलम का। दो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन सा, रो एंड कॉलम, एक ऑर्डर होता है रो एंड कॉलम का। उस बेस पे हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हमारी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो यहीं पर इस ऑर्डर के बेस पर ही होंगी, ठीक है।
और रो को हम डिनोट किससे करते हैं, एम सी, और कॉलम को डिनोट करते हैं एन सी। हमेशा याद रखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स का। सबसे पहले ऑर्डर मैंने बताया आपको कि ऑर्डर इसका क्या है, रो मल्टीप्लाई बाई रो एंड कॉलम, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम इंटू एन सी, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स को इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ हमारा ऑर्डर डिफाइन होता है एम इंटू एन का, कि उसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, इस ऑर्डर के थ्रू, एम क्रॉस एन, ठीक है। तो सिंपल छोटी सी बात है, मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स एक ऑर्डर है किस चीज़ का, रो का और कॉलम का, और रो को हम नोटेट करने के लिए एम इस अल्फाबेट का यूज़ करते हैं, और एन को कैसे नोटेट करते हैं, कॉलम के लिए। एन को क्यों नोटेट करते हैं, कॉलम की वजह से, जिसमें हम कॉलम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होएगा कि मैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिखाया, यही हमारे क्या है बच्चे, मैट्रिक्स है। इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है, जब आप किसी भी एलिमेंट को विद इन द बॉक्स आप उसको नोटेट करके बताते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, क्या उसमें वैल्यूज है, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हम रो और कॉलम की बात कर रहे हैं। एक हमने बात करी रो की, और दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉलम की। तो ये होते क्या है, कैसे इनको पढ़ा जाता है वो देखिए। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं ऐसे, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रो पढ़ रहे हैं, और जब इस तरीके से पढ़ा जाता है ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स, तो वो क्या बोला जाता है, कॉलम्स, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट बात, एक तो रो और दूसरी कॉलम। रो हम इस तरह से लिखेंगे और कॉलम इस तरह से, ठीक है। तो भाई अभी आपने क्या देखा कि मैं आपको ऑर्डर बता रहा था कि ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इन एलिमेंट के नाम होते हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारी नोटेशन होती है एलिमेंट को पढ़ने की। कई बार आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि इसको एलिमेंट को ऑर्डर बना के दिखाओ, तो आप इस तरह से ऑर्डर बनाएंगे। अगर आपको इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए, तो ऑर्डर क्या होगा, तभी मैंने फॉर्मूला बताया था, रो इंटू कॉलम, है ना। तो इसमें कितनी रोज है, 1, 2 एंड 3। 3 रोज है, कॉलम कितनी है, 1, 2 एंड 3, 3 ही कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 का, ठीक है। इनको कैसे पढ़ा जाता है, इस एलिमेंट को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट है ना, ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। थोड़े और एग्जांपल करते हैं ऑर्डर के। जैसे मैंने बोला कि कोई भी आप 3x4 इस ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, 3x4 इस ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि हमें रो कितनी बनानी है, 3 बनानी है, और कॉलम कितने बनानी है, 4 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लिखा 7, 6, 5, ठीक है, 4, 3, 2, 5, 2, 1, 3 रो हो गई, 1, 2 एंड 3। कॉलम की फोर करनी है, तो एक और एलिमेंट ऐड कर दो ऐसे। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बन गई, समझ आया भाई, ये हमारा ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स का, 3x4 का, ठीक है। 3 रो है बच्चे, और 4 कितनी क्या है, कॉलम, ठीक है। तो ये था हमारा भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इतना हम आज करते हैं। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी। इंट्रोडक्टरी क्लास थी भाई मैट्रिक्स का, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको।
ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 क्रॉस 6 का ऑर्डर लेके कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें, 7 क्रॉस 8 का लेकर के, है ना, 2 4 क्रॉस 3 का कोई ऑर्डर लेकर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। ये मतलब एग्जांपल्स हैं, कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास को अगर पसंद आ रही है क्लास तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपको पता है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और वहाँ जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके आपके डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाते हैं, वहाँ से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।